दोस्तों आप में से घूमना किसको नहीं पसंद है, लेकिन क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने अपनी फैमिली के साथ कोई ट्रिप डिसाइड हुआ, आपने उसकी प्लानिंग भी की, आपने बहुत सारे पैसे भी खर्च किए, और जब आप ट्रिप से होकर आए तो आपको लगा कि नहीं जाना चाहिए था। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है क्योंकि आपने गलत हॉलीडे कंपनी चूज कर ली। तो ऐसे में कौन सी कंपनी सही है या कौन सी कंपनी सही नहीं है, ये कैसे डिसाइड करोगे? साथ ही साथ अगर आप अपने किसी नियर एंड डियर से और किसी जानकार से सर्विसेज लेते हो तो चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं कि आपको गलत डील ना मिले। तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आज मैं जिस कंपनी के बारे में आपको बताने वाला हूं, इस कंपनी की फ्रेंचाइजी लेकर या फिर इस कंपनी से जुड़कर आप भी हॉलीडे पैकेजेस, एयर टिकट्स और बहुत सारी हॉलीडे रिलेटेड सर्विसेज की शुरुआत कर सकते हो। और इन्हीं सब चीजों को बताने के लिए आज मैं स्पेशली दिल्ली से आया हूं, राजकोट। जी हाँ दोस्तों, आज मैं राजकोट की एक ऐसी कंपनी के बारे में बताने वाला हूं जिनके पास वास्ट एक्सपीरियंस भी है, जिनके पास एक बहुत बड़ा नॉलेज बेस भी है, और साथ ही साथ दोस्तों ये आपको एक बहुत अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। इस कंपनी का नाम है जेटीसी होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, और हमारे साथ है इस कंपनी के डायरेक्टर तेजस भाई पारिक जी, जो आपको बताएंगे कि आखिरकार इस बिजनेस में इतना मजा क्यों है और ये बिजनेस आपको क्यों करना चाहिए। तो आइए हम और आप मिलकर स्वागत करते हैं फ्रेंचाइजी बताओ पर तेजस भाई पारिक जी का। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप लोगों को अपने बारे में कुछ बताएं, फिर हम बात करेंगे बिजनेस की। थैंक यू। हम जेटीसी होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, हम जेटीसी होलीडेज जो है वो वर्ल्ड वाइड हम सर्विस देने जा रहे हैं, खास करके पैकेजेस के बारे में, जिसके अंदर हम डोमेस्टिक पैकेजेस, इंटरनेशनल पैकेजेस, बाय ट्रेन, बाय बस, बाय फ्लाइट, बाय क्रूज, हर एक तरह का हम ऑप्शन देने वाले हैं। और वो ऑप्शन जो है दूसरे से स्पेशली हमारा अलग ऑप्शन रहेगा डेली के लिए, क्योंकि हमारा जो एक्सपीरियंस है वो काफी इसमें बना हुआ है। दूसरा हमारा जो विजन है, कोई भी काम करने में एटीट्यूड यानी कि आपका विजन जो है वो आपका सक्सेस का मेन पार्ट होता है। जो लोग पैसे के लिए घूमते हैं ना, हमारे बोलते हैं लक्ष्मी के पीछे घूमेगी ना तो लक्ष्मी दूर दूर भागती है, और जो बेस्ट के लिए घूमते हैं ना तो लक्ष्मी पास में आती है। तो हमारा जो विजन है टू रिजुनेट पीपल बाई प्रोवाइडिंग स्वीट मेमोरीज बियॉन्ड द मेजिंग, यानी कि हमारा ये बिजनेस जो हमने स्टार्ट किया है कस्टमर को ऐसी खुशी देना है हमें हमारी टूर में जाके वो कल्पना नहीं कर सके। वो सोचता है रोमांचित रोए कि ना मुझे जाना है तो जेटीसी में ही जाना है, मेरा पैसा वसूल हुआ। तो ये पर्पस के साथ हम ये बिजनेस के अंदर आए हुए। हमारा मेन जो काम मैन्युफैक्चरिंग का है, तो हम जो ये बिजनेस में आए हैं तो जैसे जनरली सर्विस अगर बिजनेस करते हैं ना, वो लोग क्या सोचते हैं, आज का सोचते हैं, आज मैंने पैसा कमा लिया, आज मेरा काम हो गया, कल का कोई देखने का नहीं है। लेकिन हमारा इंडस्ट्रियल्स का जो सोचना होता है आफ्टर 5, 10, 15 years का, हम सोचते हैं कि भाई 15 years के बाद हमारा जो मार्केट में शेयर होगा, मार्केट में होल्डिंग होगा, वो इतना परसेंटेज होगा। तो ये एटीट्यूड जो है सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। सर बेसिकली कोविड के बाद ऐसा नहीं हुआ कि मार्केट डाउन गया है, लोग बाहर कंट्रीज में जाना नहीं चाहते हैं, तो अभी क्या फ्यूचर क्या है इस हॉलीडे इंडस्ट्री का? सर मैं इसके बारे में आपको बताऊं कि आफ्टर कोविड माइंडसेट चेंज हुआ है। सही में जो अपना मौत देख चुके थे वो अभी सोचता है मुझे जिंदगी जी लेना है, तो वो जिंदगी जी लेने के लिए अब मैं आपको बताऊं आफ्टर कोविड पब्लिक बहुत बार निकली है और अभी भी ज्यादा से ज्यादा घूमने जाएगा ऐसा मेरा मानना है। तो कौन सी वो कंट्रीज हैं जो बहुत ज्यादा लोगों को क्या बोलते हैं अग्रेशन लेके आती है, जो पैशनेट है लोग जिन कंट्रीज के बारे में? ज्यादा करके मैंने मार्क किया है इंडिया में, सबसे बड़ा जो चॉइस करते हैं दुबई, बाद में सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, टर्की, यूरोप, यूके, यूएसए, ये सब काफी कंट्री, ये सारी कंट्रीज हैं। तो बेसिकली यहाँ पर एक बड़ा मैं पर्सनल सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, आप भी एक कंपनी है, हॉलीडे कंपनी चला रहे हैं, बहुत सारे लोगों को सर्विस दे रहे हैं, और ऐसी बहुत सारी कंपनी है जो हर जगह काम कर रही है, आपकी कंपनी उनसे अलग कैसे है और आपके पास कोई क्यों आए? सही बात है सर, जो कोई भी कंपनी है उसका डेवलपमेंट किसके ऊपर डिपेंड होता है? डेवलपमेंट होता है एक तो उसके पास क्या टेक्नोलॉजी, तो हम जो है ना टेक्नोलॉजी के साथ आए हैं। इंडिया में हम पहले ऐसे कंपनी है कि जो सीआरएम प्रोवाइड करते हैं, वो सीआरएम किसके लिए होता है? फ्रेंचाइजी के लिए होता है। आज की कोई भी कंपनी सीआरएम देता नहीं है। सीआरएम क्या उपयोग होता है, शायद आपको पता होगा, कोई भी लीड जनरेट होता है उसके अंदर एंट्री करो, इसके अंदर एंट्री करने के बाद उसका फॉलोअप लो। अभी हमारी इंडस्ट्रीज में मिले के जो हॉलीडेज इंडस्ट्रीज में क्या होता है, हमें स्टाफ की तो रिक्वायरमेंट है,
स्टाफ परमानेंट आएगा नहीं, आएगा नहीं आएगा तो नक्की होता नहीं है, आज उसकी छुट्टी है तो उसके बदले दूसरे को जो काम करना है तो सीआरएम के थ्रू काम कर सकता है, कस्टमर का फॉलोअप ले सकता है, और कस्टमर जब घूमने के बाद वापिस आता है एंड उसका जो रिव्यू देता है, फीडबैक देता है, तब तक का जो उसका रिकॉर्ड है वो सीआरएम में मेंटेन होता है, वो सब टेक्नोलॉजी हम देते हैं। तो ये जो है हमारा सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी का प्लस पॉइंट है। बात आई दूसरी कि भाई जो दूसरे नहीं कर रहे हम कर रहे हैं, आज की डेट में क्या करता है 95% कंपनी क्या करती है, वो यहाँ से पैकेज उठाया, वहां का दुबई का जो भी कंपनी है वहां का जिन्हें हम डीएमसी बोलते हैं उसको दे दिया, अब उसका होल्ड वो कस्टमर के ऊपर है ही नहीं, तो उससे क्या होगा सर्विस का कोई कंट्रोल ही नहीं रहेगा। जब हमने क्या किया है वर्ल्ड वाइड हमारा सब जगह अपना खुद का सेटअप है, होटल के साथ खुद का सेटअप है, ट्रांसपोर्टर के साथ, तो जैसे पूरा कमांड है वो हमारे पास रहेगा, तो कस्टमर को सर्विस चाहिए ऐसा सर्विस हम दे सकते हैं। आज के डेट में कभी कभी क्या होता है पैसे की बात नहीं होती है, अब मानो जैसे रूम है रूम सही नहीं आया, अभी लास्ट में बताऊं अभी एक हमारे इंडस्ट्रियल मित्र है मिस्टर योगेश, वो गया था दुबई, अब उसका जो रूम था वो रूम बहुत शॉर्ट वो फील कर रहा था कि भाई ये शॉर्ट रूम में मैं नहीं रह पाऊंगा, तो उसने मुझे वहां से कॉल के तेजस भाई रूम अपने को ये शॉर्ट हो रहा है क्या कर सकते हैं, तो कोई बात नहीं रुको मैं मैनेजर से बात कर लेता हूँ। मैंने मैनेजर को कॉल किया कस्टमर जो अपने को स्टैंडर्ड रूम दिया है उसके बदले उसको डिलेक्स रूम दे दीजिए तो रूम थोड़ा साइज बड़ा हो जाएगा, तो मैनेजर को कोई मैनेजर में दे देता हूँ, उसने रूम दे दिया। बोले मिस्टर योगेश ने यहाँ आके मुझे जो डिफरेंस का पैसा भी दे दिया वो अलग बात है, लेकिन कहने का मतलब जो सर्विस है इंस्टेंट विद इन 5 मिनट्स के अंदर उसका जो प्रॉब्लम था हमने सॉल्व कर दिया। तो ये सब जो बात होती है छोटी छोटी बात होती है लेकिन उसका काफी मायना रहता है। मैं आपको बात बताऊं डोमेस्टिक के लिए, हमने एक हर एक का जो है ना प्लानिंग बनाया होता है, जैसे हमारा कैब होता है कार होता है, तो कार जो है 2018 यानी कि 4 to 5 years से नीचे का मॉडल हम देते ही नहीं है, हमारा एक क्राइटेरिया है कि इससे नीचे हमारा वेंडर है वो कार प्रोवाइड ही नहीं करता। अब मानो कि जैसे 2010 का मैं कार दूंगा और गाड़ी पुराना है तो गाड़ी रास्ते में कहीं रुकेगी और अपना कस्टमर परेशान हो सकता है, लेकिन हम ऐसा होने ही नहीं देते क्योंकि पहले से हम क्वालिटी मेंटेन करते हैं। जैसे हम इंडस्ट्रियलिस्ट है ना, तो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट में क्या होता है कोई भी आइटम बनाते हैं तो पहले से उसका क्यूसी होता है, पार्ट्स का क्यूसी होता है, बनने के बाद भी क्यूसी होता, तो जैसे उसका आउटपुट आएगा वो अच्छा आएगा, तो वही हमने इम्प्लीमेंट इसमें कर रहे हैं। तो जैसे हम तो जैसे कोई भी घूमना जाना है तो उसमें जरूरी क्या है, पहले ट्रांसपोर्टेशन, जैसे मानो कि बाइक कार है तो कार हमने अच्छी दिया, होटल है होटल अच्छी दिया, फूड है तो फूड अच्छी दिया, अच्छा दिया, तो कस्टमर को चाहिए क्या, कस्टमर को वही चाहिए। तीसरा हम जो है ना कस्टमर के एंगल से सोचते हैं, मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं हम क्या करते हैं, आज जैसे मानो का कस्टमर को घूमने जाता है ना तो हम उसको जो मील प्लान देते हैं सीपी देते हैं, सीपी यानी कि रूम प्लस ब्रेकफास्ट, हम उसको डिनर लंच प्रोवाइड नहीं करते हैं, इसका ऑफर नहीं करते, तो काफी कस्टमर हमें बोलते हैं पर सर दूसरे तो हमें डिनर इसमें ऐड करके देते हैं होटल में डिनर मिलेगा, आप तो डिनर ऐड नहीं किया, तो हम उसको सर इसका एक रीजन, इसका रीजन क्या है, आज जैसे समझो घूमना और फिरना उसका एक चेंजेस है, आज कोई भी बात है ना उसको एक घूमने से क्या होता है एक आपने देख लिया, देखा और इसका मेमोरी जो है 1 साल 2 साल में रह गया, इसका भूल जाओगे, लेकिन जिसको बोलते हैं कि उसको साथ अटैचमेंट होना है अटैचमेंट करना, तो आप वहां का लोकल फूड टेस्ट करो। एग्जाम्पल आपको आप गुजरात में आए हमारे पास बराबर है, और गुजरात में आए मैं आपको सर बताऊं आप गुजरात में आए मैं आपको गुजराती फूड खिलाऊंगा, मैं आपको गुजराती फूड खिलाऊंगा तो क्या होगा, आप गुजराती फूड खाई लेंगे तो इसके अंदर आप अपना कमल ढोकड़ा खाएंगे पूरण पोली खाएंगे, तो आपको उसका जो टेस्ट आएगा ना वो लाइफ टाइम मेमोरेबल आ गया, हम गुजरात में राजकोट में गए थे बहुत मजा आ गया, और वही मैंने आपको होटल में अपना खाना खाया हुआ था तो आपको ये तो पंजाबी मिलता है, आपको यहाँ का लोकल फूड तो मिल रहा नहीं, तो सर ये जो हमें कनेक्ट है वो लोकल पर्सन के लोकल जो डेस्टिनेशन से साथ कनेक्ट होने के लिए फूड जो है वो उसको वहां का ही लेना चाहिए, हम गेस्ट को समझा के, और काफी गेस्ट वहां घूमने के आने के बाद हमारा बहुत बोला सर आपने अच्छा किया, और हम सजेस्ट भी करते हैं कि वहां का ये फूड अच्छा है, वहां का ये फूड अच्छा है वो खाओ आपको बहुत मजा आएगा। दूसरा वहां का कनेक्शन करने के लिए वहां का क्या शॉपिंग अच्छा है वो भी उसको बता दे कि यहाँ का ये आइटम फेमस है, वहां इतना परसेंट बार्गेनिंग होता है तो वो भी आप ध्यान रखने का, जैसे मैं घूमने जाता हूँ तो मैं पहले देखता हूँ तो मैं मेरे गेस्ट जो है उसको भी बताता हूँ कि इसमें जरा ध्यान रखना जैसा आपका पैसा सेव हुआ है, तो ये सब
काफी बातें ऐसी है कि हम दूसरे से जो है काफी चेंज होते हैं, मतलब बारीकी से हर एक चीज आप प्लान करते हैं अपने कस्टमर की, जो घूमने जा रहा है तो उसकी वो मेमोरी रहनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जा रहे हो तीन दिन चार दिन के लिए, सिर्फ तीन चार दिन नहीं, वो आपके लिए लाइफ टाइम का एक पार्ट होना चाहिए। आप उसको याद करके बाद में भी हैप्पी हो सको, आपको टेंशन ना हो, ये काम करता है आपके लिए जेटीसी हॉलीडेज। सर एक छोटा सा सवाल, कितने साल से आप काम कर रहे हैं सर इस, सिर्फ मैं इस पार्टिकुलर हॉलीडे इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ। सर मैं हॉलीडेज इंडस्ट्री में 2009 से काम कर रहा हूँ, और हमारा जो शुरुआत हुआ था ये फील्ड में भी हम आए, तो उसका भी एक मैं बात बताऊ ना कि हादसा ही हो गया था। जैसे मैंने बताया कि मेरा फैक्ट्री है, तो हम अपने जो वर्कर्स होते हैं उसको घूमने के लिए ले जाते हैं, हमारे जो डीलर होते हैं उसका हम डीलर मीट करते हैं, तो भी अच्छे अच्छे डेस्टिनेशन में करते हैं, तो वहां भी हमें घूमने के लिए ले जाना होता है, तो ऐसे हम ले जाते थे। हमने तीन चार दफा हम ले गए, तो हमने देखा कि वहाँ जो अपने को जिस तरह की हॉस्पिटैलिटी चाहिए थी, जिस तरह की सर्विस चाहिए थी, वो हमें मिल नहीं रहा था। हम खुद भी घूमने जाते तब भी हमें कुछ ना कुछ अंदर महसूस होता था कुछ कम हो रहा है, कुछ घट रहा है, तो हमने सोचा कि इसका हम सॉल्यूशन निकाले। तो बाद में हम ए इंडस्ट्रीज में आए, और ये हम करीब 2009 और आज हुआ 2023, यानी कि 14 साल से ज्यादा हो गया आपको इस काम को करते हुए, और 14 साल का एक्सपीरियंस आपको एक दिन में मिलने वाला है, एक घंटे में मिलने वाला है, एक मिनट में मिलने वाला है। क्या करना है आपको, अगर आपको सर के साथ जुड़ना है, जेटीसी होल्डिंग से जुड़ना है, तो आपको नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, आप कॉल करिए और जानिए किस तरीके से आप जुड़ सकते हैं। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि आखिरकार इनका फ्रेंचाइजी ऑप्शन क्या है, आपको सपोर्ट क्या मिलने वाला है, और मोर ओवर जो लोग ये जानना चाहते हैं कि इस इंडस्ट्री में आप कमा कितना सकते हो, ये भी बताएंगे। आइए एक एक करके फ्रेंचाइजी से रिलेटेड सवाल लेते हैं सर से। तो सबसे पहले सर, जेटीसी होलीडेज किस तरीके से लोगों को एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे रहा है? ओके, थैंक यू, अच्छा क्वेश्चन किया आपने। जेटीसी होलीडेज एक फ्रेंचाइजी को, एक बिजनेस वाले को पैसा कैसा कमाना उसका पूरी सिस्टम देता। आज जो सिस्टम है ना, दैट्स इंपॉर्टेंट, वो भी पूरी पूरा वर्ल्ड जो है सिस्टम से चल रहा है, और जब तक सिस्टम नहीं होगा तब तक आप पैसा कमा नहीं सकते। तो हमारा 14 साल का जो एक्सपीरियंस है वो हमने पूरा ये जो फ्रेंचाइजी मॉडल में डाला हुआ है। अब सबसे पहला जो कोई भी बिजनेस चालू करना है तो चाहिए क्या, सबसे पहला चाहिए अपने को जैसे बोलते हैं कि बोर्ड, अपनी आइडेंटिटी, भाई हम क्या बिजनेस करने जाए, तो कंपनी है बोर्ड देती है, विजिटिंग कार्ड चाहिए तो विजिटिंग कार्ड देती है। अच्छा, तीसरा एक बात है, मार्केटिंग और सेल्स दोनों में डिफरेंस है। जैसे सेल्स होता है उसमें क्या होता है, कस्टमर जो है सामने से खड़ा होकर आपके पास आता है, और मार्केटिंग में क्या होता है, कोई भी प्रोडक्ट बेचने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ता है। तो वहां भी हमारा इंडस्ट्रीज का एक्सपीरियंस काम आ गया। हम भी जैसे प्रोडक्ट बनाते हैं तो कस्टमर मेरे पास सामने से आता है, ऐसा ही प्रोडक्ट बनाते हैं, तो वो करने के लिए क्या करना पड़ता है, सेल्स के लिए दो बात होना चाहिए। पहली बात, एक तो आपका प्रोडक्ट है वाजिब रेट का होना चाहिए जो कस्टमर आपके पास सामने से आएगा। दूसरी बात, आपकी सर्विस अच्छा होना चाहिए, तो जैसे कस्टमर आपके पास वापिस वापिस आता रहेगा, तो इससे क्या होता है, कस्टमर जो अपने पास आया है वो तो बना ही रहेगा, दूसरा दो को चार को भेजेगा तो अपना बिजनेस है वो मल्टीप्लिकेशन से आगे बढ़ेगा। तो हम जो है दोनों मेंटेन करते हैं, और हमारा प्रोडक्ट हॉलीडेज में भी ऐसा बनाते हैं कि जिसके अंदर सेल्स हुए, हमें एक्स्ट्रा अप्रोच नहीं करना पड़े कस्टमर के पास कि भाई बार बार किसी के पास जाना पड़े कि जैसे अपने को धंधा मिले। हम ऐसा चाहते हैं कि अपना बिजनेस है, अपना फ्रेंचाइजी के पास बिजनेस ऐसा है कि वो दौड़ के कस्टमर आपके सामने आए। तो हमारा रेट है वो सबसे, हमने वाजिब रेट रखा, हमारा रेट 500 रुपये से चालू करके 500 से चालू लग करके 2.5 लाख का हमारे पास पैकेज है, यानी कि हमारी टिकट साइज है वो 500 रुपये से लेकर 2.5 लाख का, यानी कि आपके पास छोटे से छोटा कस्टमर जो है वो भी आप उसको इनवाइट कर सकते हो, और हाई प्रोफाइल जो लोग है उसको भी आप इनवाइट कर सकते हो, आपको किसी को मना बोलने की जरूरत नहीं है, वो सबसे बड़ा हमारा यूएसपी माना जाएगा। दूसरी बात, आज हमारे पास जो प्रोडक्ट है उसके अंदर कस्टमर को क्या होता है, आज मॉल कल्चर है सबसे ज्यादा डेवलप हो रहा है, मॉल कल्चर सबसे ज्यादा डेवलप, क्यों कल्चर डेवलप रहा है, वहां पे कस्टमर को चॉइस ऑफ वैरायटी होता है, इसलिए कस्टमर सेटिस्फाइड होते हैं। मेरे पास चार प्रोडक्ट है टूथपेस्ट की, उसमें के मुझे जो चाहिए वो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो हम भी अपने कस्टमर को ऑप्शन देते हैं, तो जैसे उसको हिमाचल में घूमना है या तो गोवा जाना है, तो हम उसको ऑप्शन देते हैं, तो तुम्हें ट्रेन में जाना है,
तो ट्रेन का पैकेज करवा लो, आपको फ्लाइट में जाना है तो फ्लाइट का ऑप्शन करवा लो, आपको अपने हिसाब से जाना और वहां का ही पैकेज चाहिए तो वो भी हमसे ले लो, तो हमने उसको मल्टीपल ऑप्शन दिया। अब उसको जाने का आने का ऑप्शन दिया लेकिन रेट का, तो रेट का भी हमारे पास ऑप्शन होता है, कोई आपको 5000 थ्री नाइट में जाना है तो वो भी हमारे पास ऑप्शन है, 50000 रुपीस में यानी कि 50000 रुपए में तीन नाइट घूमना है तो वो भी हमारे पास ऑप्शन है, तो हमारे पास रेट का भी ऑप्शन है, सब तरह का ऑप्शन है। तो कोई भी कस्टमर आपसे छूटेगा नहीं, आपको किसी को किसी ने मना नहीं बोलना कि ना ये पैकेज मेरे पास नहीं है, ये हमारा दूसरा ही विषय। तो बेसिकली यहाँ पर आपको सर ने तीन चीजें सिखाई, आप कोई भी बिजनेस में हो, किसी भी बिजनेस में हो, ये तीनों चीजें लागू होती हैं। सबसे पहले क्लाइंट रिटेंशन, जो क्लाइंट है उसको पकड़ के रखो, आपको कॉस्ट नए क्लाइंट पे लाने की खर्च नहीं करनी पड़ेगी। दूसरी चीज क्लाइंट रेफरल, क्लाइंट रेफरल सबसे मजबूत चीज होती है, जब आप किसी को रेफर करते हो तो आप अपना जो पूरा ट्रस्ट है उसके साथ पास ऑन करते हो और क्लाइंट को आगे से समझाना नहीं पड़ता कंपनी के बारे में और क्लाइंट जल्दी कन्वर्ट हो जाता है। और तीसरी चीज क्लाइंट कस्टमाइजेशन, क्लाइंट को क्या चाहिए वो चीज दो, जो उसको चाहिए अगर वो चीज आपके पास है तो आपके पास से क्लाइंट कभी कहीं नहीं जाएगा। ये तीन चीज आप अपने बिजनेस में किसी भी तरीके से फिट कर लीजिए और आपके बिजनेस की ग्रोथ रेट बढ़ जाएगी। और जब सोचिए कि जब आप जेटीसी होलीडेज से जुड़ेंगे तो आपकी ग्रोथ रेट कितनी बढ़ेगी, आइए जानते हैं इसके बारे में भी। जो मेरा अगला सवाल है कि जब कोई आपसे फ्रेंचाइजी लेगा तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या क्या होंगे, क्या क्या चाहिए उस फ्रेंचाइजी से? सर फ्रेंचाइजी के लिए जो है ना एक बेसिक चाहिए प्लेस, जगह करीब समझो कि 120 से लेके मिनिमम 120 स्क्वायर फीट जगह होनी चाहिए। 120 स्क्वायर फीट में आप वो कर लोगे काम? हाँ सर, हमने जो है ना सर एक बात मानते हैं, सबसे बड़ी बात होती है कि कस्टमर को जो रिक्वायरमेंट है, यानी कि कस्टमर आपके पास खड़ा होके आता है तो उसको जो रिक्वायरमेंट है क्या पैकेज की, आज का सोशल मीडिया का टाइम है, जब आता है तब उसको समझाना होता है, तब अपने को उसको बिठाना होता है और उसको तब समझाना होता है। बाद में मानो कि आप कौन से टायर में, वो भी डिपेंड रहता है। आप मानो कि छोटी जगह पे हो, मानो कि वन टायर में हो तो वहाँ छोटी जगह भी चल जाएगा, लेकिन जैसे मानो कि आप मानो कि थ्री टायर में हो तो उसमें अलग जगह चाहिए, वन टायर में तो अलग जगह चाहिए। और आपका जैसे आज जैसे समय आपका स्टार्टअप है, अभी आप फ्रेंचाइज का शुरुआत कर रहे हो तो आपके पास वर्किंग कम है, कस्टमर कम आ रहा है तो कम जगह होगी तो भी चल जाएगा। लेकिन वो बाद में तो ऑटोमेटिक आप भी बोलोगे ना मुझे अब 120 फीट की जरूरत नहीं है, मुझे तो 500 फीट का जो एक बड़ा ऑफिस लेना पड़ेगा और आप खुद इसमें सेटअप करोगे। तो हम अभी ऐसा बोलते हैं आप शुरुआत करो, बोले छोटे से शुरुआत करो, आपका रेवेन्यू बढ़ता जाएगा, इनकम बढ़ता जाए, आप आगे बढ़ते जाओ, ऐसा हम पूरा आपको अपॉर्चुनिटी देते हैं। दूसरा जो बात है कि इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट के लिए एक अपना जो अच्छा ऑफिस होना चाहिए, इसके अंदर मानो कि जो आपके पास सेटअप नहीं, हम भी आपको सेटअप करवा देंगे, किस तरह का ऑफिस बनाना है उसका भी हमने एक डेमो ऑफिस भी बना के रखा हुआ है, फिर कम जगह में आप कैसे ऑफिस बना सकते हैं उसका भी हम आपको डेमो देंगे, वीडियो दिखा रहे हैं, आपको वीडियो में देखिएगा कि किस तरीके से ये फ्रेंचाइजी के लिए ऑफिस बना हुआ है 120 स्क्वायर फीट के अंदर, ये ऑफिस मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, इस तरीके से ये ऑफिस बन सकता है। आज की डेट में सर जो है ना कोई भी जगह पे वैल्यू जो है ना जगह का काफी वैल्यू बढ़ गया है, तो हमने ऐसा सेटअप बना के रखा हुआ है कि कम टू कम स्पेस के अंदर आप अच्छा से अच्छा बिजनेस कर सकते हो। तो इसके अंदर जो स्टाफ रिक्वायरमेंट है तो करीब आपके पास 2% का स्टाफ मिनिमम होना चाहिए। तीसरी बात होती है कि भाई आपके पास सोशल मीडिया में जो भी अकाउंट में वो सब डेवलप, वो सब बाद में हम जो है ना हमने आप हमारा फ्रेंचाइजी लेंगे तो हम आपको हर एक तरह की ट्रेनिंग देने वाले हैं, भाई कैसे बिजनेस ग्रो करना है, सोशल मीडिया मार्केटिंग कैसे करना है, आपको कम्युनिकेशन कैसे करना है, आपको हम जो CRM देने वाले हैं उसका ट्रेनिंग भी देंगे, भाई जैसे उसका यूटिलाइज कैसे करना है आपको। अच्छा बाद में आपको जैसे बोलते हैं कि भाई आज मार्केटिंग करना है, एडवर्टाइजमेंट करना है, तो एडवर्टाइजमेंट में काफी ऐसा होता है कि कम खर्च के अंदर आप अच्छा एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो, तो वो भी हम आपको सिखाएंगे। तो हम काफी तरह से आपको सपोर्ट देने वाले हैं, आपके लिए जो हम जैसे बोलते हैं कि भाई एक मैनेजर देंगे, कि जो आपका कोऑर्डिनेटर देंगे, कि जो आपको कंटिन्यू आपके साथ टाइप में रहेंगे, आपको कोऑर्डिनेशन करेगा, आप कहीं भी बिजनेस में कम होते हो तो वो भी आपको सिखाएंगे। तो बेसिकली यहाँ पर कंपनी हर तरीके से सपोर्ट कर रही है। सबसे पहले इन्होंने आपके बारे में सोचा कि आप किस तरीके से कम रेंट में,
कम जगह में आप एक अच्छा बिजनेस बना सके तो जेटीसी हॉलीडेज की फ्रेंचाइजी लेते हैं, तो मात्र 125 स्क्वायर फीट से आप शुरू कर सकते हैं। बाकी आपके पास जैसी जगह है वैसे आप इसको डेवलप कर सकते हैं। कंपनी एंड टू एंड सारा सपोर्ट करती है, मार्केटिंग सपोर्ट आप कह लीजिए, डिजिटल मार्केटिंग सपोर्ट, आपको एक डेडिकेटेड मैनेजर देती है जो कि आपको अलग अलग प्रोडक्ट के बारे में ट्रेनिंग देगा, हर तरीके की ट्रेनिंग, आपको बाहर का साइन बोर्ड, विजिटिंग कार्ड और जो भी आपको स्टेशनरी की रिक्वायरमेंट होती है उसका फॉर्मेट आपको प्रोवाइड किया जाता है। आप जब जेटीसी से जुड़ते हैं तो यकीनन आपको एक ऐसी पेरेंट कंपनी मिल जाती है जहां पर आपको प्रोडक्ट के बारे में नहीं सोचना, जहां पर आपको क्वालिटी के बारे में नहीं सोचना, जहां पर आपको सपोर्ट के बारे में नहीं सोचना, केवल आपको मार्केटिंग करनी है, क्लाइंट्स लेकर आने हैं और आपको यहां से बहुत अच्छी इनकम मिलेगी। तो सर यहां पर फ्रेंचाइजी फीस क्या रहती है, क्या आपकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट होता है क्लाइंट का वो क्या रहता है? सर हमने जो फ्रेंचाइजी फीस है अभी जैसे हमारा फीस तो ज्यादा है लेकिन अभी हमने स्टार्टिंग में जो हमारे साथ जुड़ता है जैसे हमारा फ्रेंचाइजी 2 लाख रखा हुआ है लेकिन अभी जो हमारे साथ जुड़ता है इसको हम 1 लाख रुपीज में नॉन रिफंडेबल फीस के साथ उसको हमारे साथ जुड़ेंगे। और बाकी का जो इन्वेस्टमेंट की बात आई तो इन्वेस्टमेंट 3 लाख से लेके मिनिमम 3 लाख से लेके जैसे फर्नीचर में वो सब करने के लिए 3 लाख से लेके 7-8 लाख वो जितना भी करना है जितनी बड़ी जगह है जैसे आप करोगे वैसा आपका हो सकता है। ये आपकी इन्वेस्टमेंट है। आप चलिए बिजनेस अच्छा है समझ में आ रहा है, रिक्वायरमेंट है ये भी समझ में आ रही है, आप अच्छे से सपोर्ट भी करोगे ये भी सब लोग मान रहे हैं, लेकिन कमा कितना लोगे ये एक बड़ा सवाल है क्योंकि जब कमाई नहीं तो भी धंधा कैसे करें। 100% सही बात है आपकी, कमाई तो सबसे पहले देखना पड़ता है कि क्या अपनी जेब में आने वाला है। तो ये सही में जो है ना हमने जो प्लान बनाया हुआ है ऐसा प्लान बनाया है कि हमारे जो फ्रेंचाइजी भाई है वो तो अच्छा से अच्छा पैसा कमा सकते हैं। करीब जो वो मेरे हिसाब से 2 लाख पर मंथ रेवेन्यू ले सकते है, जो हम ट्रेनिंग देंगे उसके मुताबिक काम करेंगे तो 100% 2 लाख के करीब वो आराम से पर मंथ कमा सकते। क्या प्रोसेस क्या रहता है फ्रेंचाइजी का, जैसे कोई फ्रेंचाइजी आपसे ले लिया उसने अपने शहर में ऑफिस खोल लिया तो उनका काम करने का प्रोसेस क्या रहता है? उसका काम करने का प्रोसेस में ऐसा होता है कि उसको हम जो ट्रेनिंग देते थे किस तरह मार्केटिंग करना, अभी वो नहीं आए लाइन में, वो उसके लाइन के साथ कनेक्टेड ही नहीं है, तो हम उसको बता दे भाई आपको इस तरह का सोशल मीडिया मार्केटिंग करना है, इस तरह का जो आपको है वो मानो के जैसे पैम्फलेट हर एक न्यूज़पेपर में देना है, तो कैसे एडवर्टाइजमेंट करके पब्लिक के साथ पहुंचना है। हमने पहले भी आपको बताया कि हमारा प्रोडक्ट जो है रेट भी वाजिब है, क्वालिटी भी है, हमें सिर्फ अवेयरनेस दिखाना है, पहुंचाना है, एक दफा उसको बताना है कि हम यहाँ पे आ गए हैं, वो आएंगे कस्टमर ऑटोमेटिक आपके पास हमारा रेट के हिसाब से आपके पास आते रहेंगे। ओके, इसमें जो आप लोगों का शेयरिंग क्या होता है, जो पैकेजेस होते हैं क्लाइंट को कमीशन मिलता है या फिर कोई जैसे ट्रेडिंग होती है ट्रेडिंग के हिसाब से काम करते हैं, किस तरह? हम कमीशन स्लैब पे गए हैं, हमारी जो पैकेज के हिसाब से हम कमीशन देते हैं, किसी में 10% है, किसी में 5% है, तो वो कमीशन के स्लैब पे दिए हैं। और इस समय मार्केट साइज क्या है, मतलब कि मार्केट में डिमांड कितनी है? सर मार्केट में डिमांड के हिसाब से बताया, और अभी जो आप जीडीपी में अपना जो ट्रैवल का जैसे पार्ट बताया तो इस हिसाब से ये इसका जो फ्यूचर है वो इतना बड़ा है कि इसका अनबिलीवेबल मान सकते हैं। मैं आपको बताऊं आज की गवर्नमेंट का पूरा फोकस जो है ना वो ट्रैवल इंडस्ट्रीज पे है। क्यों? ट्रैवल इंडस्ट्रीज के लिए जो पैसा है ना, जैसे मानो कि गुजरात वाले हैं वो हरिद्वार में घूमने जाता है तो वहां का लोकल पब्लिक की जेब में सीधा पैसा जाता है, बाकी कोई भी इंडस्ट्रीज ऐसा नहीं है कि उसका पैसा है ना लोकल जेब में जाता है। आज मैं बताऊंगा जैसे मानो कि आप कोई बर्तन वाले के पास गए वहां से परचेज किया तो वो पैसा जाएगा कहाँ पे? मानो कि बर्तन बनाने वाले के पास, बर्तन बनाने वाले के पास जो रॉ मटेरियल वो कहाँ पे जाएगा? मल्टीनेशनल कंपनी के पास। तो वो पैसा लास्ट में कभी हो सकता है इंडिया के बाहर भी जा सकता है लेकिन वो लोकल पब्लिक के हाथ में नहीं था। ये पैसा ऐसा है लोकल पब्लिक ने लिया, इंडिया वाले ने लिया, परचेस किया और इंडिया वाले के पास में जैसे राजकोट वाले ने परचेस किया उसके बाद घूमने गए और पैसा भी कहाँ गया? हरिद्वार में ही गया। तो ये पैसा है ना इंडिया इकोनॉमी में घूमता रहेगा, तो ये जो है सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। और ये हम एक हिसाब से देखें ना तो हम देश का भी फायदा कर रहे हैं, हम दूसरी जगह पैसा नहीं डाल रहे, अपनी इकोनॉमी में पैसा डाल रहे हैं, तो इसका जो मार्केट साइज है बहुत बड़ा होने वाला है, अनबिलीवेबल। इसलिए हम जो है ना कि मैंने बताया कि हम इंडस्ट्रियलिस्ट हैं लेकिन ये बिजनेस में है उसकी वजह भी है। सर कोई भी इस बिजनेस को कर सकता है या इस बिजनेस को करने के लिए कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन चाहिए? ना सर, एक बोला जाता है किसी को कोई भी आदमी सीख के नहीं आता, जो आदमी की धगस है, जो इसकी तमन्ना है, जो इसकी बर्निंग डिजायर है,
तो वो हर एक आदमी ये काम कर सकता है। सर लास्टली आप कुछ और शेयर करना चाहें, कुछ बात बताना चाहें हमारे दर्शकों के साथ प्लीज। सर हम जो है ना ये बिजनेस में जो आए हुए हैं, हम सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं आए, हम अपनी सोशल लायबिलिटी भी इसमें पूरी करने के लिए आए हुए हैं। हम एक मानते हैं कि जिसको सही में पैसा कमाना है, चाहे उसके पास पैसा नहीं भी है और कमाना है, तो हम उसके लिए एजेंट सिस्टम भी लाए हुए हैं। हमारे फ्रेंचाइजी भाई जो है ना वो अपने नीचे डिस्ट्रीब्यूटर बना सकते हैं और डिस्ट्रीब्यूटर जो है अपने लिए एजेंट बना सकते हैं। तो आपके पास जो है ना, आप चाहे एग्जाम्पल आप जयपुर में बैठे हो एज ए फ्रेंचाइजी, बराबर है। अब आपका कोई रिलेटिव है दिल्ली में और वो इंश्योरेंस फील्ड के साथ जुड़ा हुआ है, उसके पास कम से कम समझो कि 500 लोग का वो कंटिन्यू उसके साथ बना हुआ है, फैमिली का 500 फैमिली के साथ बना हुआ है और ये काम करना चाहता है, तो आप उसको एजेंट बनाओ, वो बिजनेस लाएगा, वो आपके अंडर लाएगा, वो जो कमाएगा उसमें भी आपको रेवेन्यू जनरेट होगा। तो ये जो मॉडल हम लेके आए हुए हैं, आपको अकेले को हम कमाने का मौका नहीं दे रहे हैं, आपका जो रिलेटिव है, आपके जान पहचान वाले हैं, उसको भी कमाने के लिए अपना बेनिफिट दे सकते हैं। एक मैं आपको भी बात बताऊं, एक ब्यूटी पार्लर वाला बेन, वो ब्यूटी पार्लर बहुत अच्छा चलता था, उसका बहुत अच्छा चला रहा था, वो हमारे कॉन्टेक्ट में आए, उसने बोला कि मुझे कुछ कर सकते हो, तो मैंने बोला अच्छा काम कर सकते हो आप, तो उसने हमारा एजेंट बने, क्योंकि वो फ्रेंचाइजी नहीं ले सकते, उसके पास ऑफिस का उसका रिक्वायरमेंट नहीं है, वो तो साइड बिजनेस कर रहे हैं, तो उसने क्या हमारा एजेंट बने। तो वो एजेंट बन के जैसे उसको आज कोई भी ब्यूटी पार्लर लेडीज है तो उसका एक डेढ़ घंटा का ट्रीटमेंट चलता है, डेढ़ घंटे में क्या बात करेगा, तो ये उसने हॉलीडेज का बात शुरू किया, तो आज की डेट में वो बैंक का पर मंथ का 30,000 से 40,000 रुपये का रेवेन्यू हमारे हॉलीडेज से जनरेट होता है। एक मैं आपको बात बताऊँ, सेम जैसे मैंने अभी इंश्योरेंस का बताया, सेम एक हमारा MR है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, उसने क्या किया, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हमारे साथ एक हमारा डिस्ट्रीब्यूटर है उसके साथ वो कनेक्ट में आया, तो वो भी जैसे हर एक डॉक्टर के पास ज्यादा था MR के हिसाब से, अब उसने क्या किया कि सर हमने एक काम नहीं चालू किया है, कुछ भी होता बताने का, तो आज मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का रिलेशन डॉक्टर का साथ तो ऐसा भी बना होता है, आज काफी डॉक्टर जो है वो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के साथ थ्रू हमारे पास से बिजनेस लेता है, भेजता है कस्टमर को और अच्छा रेवेन्यू जनरेट करता है। तो काफी लोग है, जैसे मैंने बताया म्यूजिशियन है, जैसे म्यूजिशियन होता है उसको क्या होता है, म्यूजिशियन होता है उसको साल में 3-4 महीना बिजनेस होता है, बाकी के टाइम में फ्री होते तो क्या करेगा, उसका तो टाइम वेस्ट होगा, तो ये भी हमारा काम कर सकता है एज ए एजेंट। अच्छा बाद में जैसे मानो कि स्टेशनरी वाला है तो उसके पास स्टेशनरी का 12 महीना सीजन नहीं चलता, 2 पढ़कर फ्री होता है, तो भी अपना एक बोर्ड लगा के बैठ गया JTC हॉलीडेज का ऑथोराइज्ड एजेंट, वो भी बिजनेस करता है। तो हम काफी लोगों को ये अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं और वो अभी हम अपॉर्चुनिटी आपके थ्रू देना चाहते हैं। आप जैसे मानो एक डिस्ट्रिक्ट में बने हुए हो तो आपके नीचे आप डिस्ट्रीब्यूटर बनाओ, उसके नीचे एजेंट बनाओ और अच्छा पैसा कमाओ। उसके भी कोई चार्जेस हैं डिस्ट्रीब्यूटर के और एजेंट के? हाँ जी हाँ जी, डिस्ट्रीब्यूटर का भी चार्जेस है और एजेंट का भी चार्जेस है, एजेंट का 10,000 चार्जेस है, लेकिन हम इसको भी जैसे अभी मैंने आपको बोला यहाँ पर 2 लाख है तो हमने अभी 50% डिस्काउंट 1 लाख में दे रहे हैं, इस साथ एजेंट का भी जो है वो 10,000 चार्जेस है लेकिन अभी हम 5,000 में उसको दे रहे हैं, तो 5,000 दे के वो हर महीने 25,000 से 30,000 रुपया कमा सके ऐसा हम अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। अभी मैं बताऊँ, अभी जो बोलते हैं वुमन एम्पावर की बात, काफी वुमन ऐसी होती है उसमें टैलेंट है लेकिन जब उसकी घर की जिम्मेवारी आ जाती है, बच्चे छोटे 1-2 साल के बच्चे हैं, झोंक में जा नहीं सकते, तो वो घर बैठे भी एक काम कर सकते हैं, घर बैठे भी महीने 25-30-40 हज़ार रुपया कमा सकते हैं, तो हम वुमन को भी एम्पावर करना चाहते हैं। तो हम ऐसा चाहते हैं कि अपना एक बिजनेस ऐसा है कि उसके अंदर जो है ना घूमना फिरना सब कुछ है, तो हम ऐसा चाहते हैं भाई अपना जो है ना जो भी लोग है अपने साथ जुड़े और पैसा अच्छा कमाए। तो बेसिकली आप सभी लोगों के लिए पारिक जी ने एक बहुत जबरदस्त बिजनेस अपॉर्चुनिटी दी है, वो है हॉलीडे इंडस्ट्री में हर घर में आपके लिए कस्टमर हो सकते हैं और यहाँ पर आपको कस्टमर साइज भी 500 रुपए से शुरुआत हो जाती है और ऊपर आप जितना चाहें जितना बड़ा पैकेज लेना चाहें उतना बड़ा पैकेज आपको कस्टमाइज करके आपको JTC हॉलीडेज से मिलता है। तो यहाँ पर आपके लिए कस्टमर बहुत है, यहाँ पर आपके लिए प्रॉफिटेबिलिटी बहुत है, सर्विस आपको सारी मिलने वाली है, कमीशन अच्छे मिलने वाले हैं,
इनकम अपॉर्चुनिटी अच्छी है, तो एक बिजनेस में आपको इससे ज्यादा और क्या चाहिए। तो अगर आप इस बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं, तो आपको स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में आपको सारी डिटेल दे दी गई है, कॉल करिए, बातचीत करिए, राजकोट मिलने आइए, फोन पे, सोशल मीडिया पर, जैसे भी आप जुड़ना चाहें जुड़कर इस बिजनेस के बारे में और पूरी जानकारी लीजिए। आज हमने वीडियो में कोशिश की है कि आपके हर सवाल का जवाब दिया जाए, और अगर आपके कोई सवाल बचे हैं या कुछ और आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछें, हम आपके सभी सवाल का जवाब जरूर देंगे। हर एक इंडस्ट्री की पूरी पूरी जानकारी आपको मिलती है सिर्फ और सिर्फ फ्रेंचाइजी बनाओ पर।